नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर से जो क्रमबद्ध ग्राम सभा का आयोजन होगा उसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि अभी सबसे ज्यादा जो है 9 थीमेटिक सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है। 9 जो सब्जेक्ट हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है पंचायत अवार्ड में भी, जिनको SDG भी बोल रहे हैं ना, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, SDG भी बोल रहे हैं, जिनको 9 थीमेटिक विषय हैं। इनको यदि हम 9 विषयों पर अच्छी तैयारी कर लेते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते हैं GPDP, तो हमारा जो है बहुत ही अच्छे GPDP बनेगी। नहीं तो इनमें से एक जो है हमें एक टॉपिक तो लेना ही है कंपलसरी, ठीक है। बाकी आप जितने ज्यादा ले सकें वो आपके ऊपर है, आपकी ग्राम पंचायत के ऊपर है। तो हमें ग्राम सभा में इन 9 थीमेटिक विषयों पर जरूर चर्चा करना है, वो मैं आपको लाइन से बताऊंगा अभी वीडियो में। और जो हर घर जल की जो योजना चल रही है, जिसमें PHU विभाग द्वारा जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में नल योजना का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है, हर घर जल योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चा करना है, उसके रख रखाव पर भी चर्चा करना है। क्योंकि योजना तभी सही हो पाती है जबकि हम उसका रख रखाव अच्छे से करते हैं, तो उस पर भी चर्चा करना है। और जैसे हमने अभी अमृत सरोवर और बड़े लेवल पर हमने तालाब बनाए, वर्षा के जल संरक्षण किया, रूफ हार्वेस्टिंग करी, अभी भी कर सकते हैं दोस्तों। रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम भी अच्छा है जो वर्षा के जल को रोकता है। वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में। ऐसे ही कई सारे और सब्जेक्ट हैं, बाल हितैषी पंचायत, है ना, महिला सशक्तिकरण की पंचायत, तो ऐसे कई सारी विषय में पूरे एजेंडा में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। हम सीधे आदेश पर चलते हैं। पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, 1-4-4, है ना, 1-4-4-4-4, ठीक है। भोपाल दिनांक 28/9/2022, आज के दिन ये आदेश निकला है दोस्तों, 28 सितंबर 2022 को ही। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय है 2 अक्टूबर 2022 से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पूरा एजेंडा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। 2 अक्टूबर 2022 से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा गठन सम्मेलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1998 और मध्य प्रदेश ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम 2001 का अवलोकन करें। इन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम में 2 अक्टूबर 2022 से आयोजित ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो ग्राम सभाओं के संबंध में विचार हेतु स्थायी तथा स्थानीय कार्यसूची एजेंडा के साथ साथ राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों से प्राप्त एजेंडे के बिंदु निम्नानुसार हैं, जिन्हें संबंधित ग्राम सभाओं के परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित किया जाए। कौन कौन से बिंदु हैं एजेंडे के, तो फर्स्ट है शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना। सारी योजनाएं जो ग्राम पंचायत में चल रही हैं, भली वो पेंशन योजना हो या जैसे संबल योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, जो भी योजना हो, बस सभी कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना। दूसरा है, जैसे हम सभी को पता है 2 अक्टूबर को नशा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, तो नशा मुक्ति ग्राम बनाने पर चर्चा करना है। तीसरा है शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल जल योजना के रख रखाव की व्यवस्था संबंधी पर चर्चा करना है, ठीक है। क्योंकि कोई सी भी योजना दोस्तों सफल का हो पाती है जब उसका रख रखाव सही तरीके से किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हर घर जल अभियान भी चलाया जा रहा है, मतलब हर घर जल हर घर नल, ठीक है। तो हर जगह हर घर पर नल की व्यवस्था की जा रही है, जल की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। तो जो योजना नल जल योजना, उसके रख रखाव सही तरीके से होना चाहिए, तभी योजना जो है आगे भी सही तरीके से क्रियान्वित की जा सके। तो उसी पर चर्चा करनी है। कुपोषण मुक्त ग्राम पर चर्चा, कुपोषण मुक्त ग्राम पर चर्चा, ग्राम में किशोरियों की सुरक्षा पर चर्चा करना है। ग्राम में किशोरियों की सुरक्षा पर चर्चा, बाल हितैषी एवं महिला सशक्तिकरण विजन पर चर्चा, ठीक है।
हर घर जल, जैसा कि हम बात कर रहे थे कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर चर्चा, अमृत सरोवर संरचना के रखरखाव एवं उपयोग पर चर्चा, जो हमने दोस्तों जल संरक्षण के कार्य किए हैं, तालाब बनाए हैं, पुरानी संरचनाओं को फिर से जीवित किया है, तो अमृत सरोवर संरचना के रखरखाव एवं उपयोग पर चर्चा, ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम पर चर्चा। जैसे आपसे को पता है इस साल से ग्राम गौरव दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में, तो उस पर भी चर्चा। फिर है 10वां पॉइंट, 15वां वित्त आयोग की कार्य योजना एवं रणनीति पर चर्चा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी सितंबर लास्ट डेट चल रही है, लगभग सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर शुरू ही होने वाला है, और कुछ ही दिनों में दोस्तों हमसे, जैसा मान लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीन महीने बाद ही हमसे कहने लगते हैं कि अगले वर्ष की, जैसे अभी वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, 2022-2023, अब हमसे जनवरी से कहने हमें आदेश आने लगेंगे कि हमें अब 2023 और 2024 की जो है जीपीडीपी तैयार करना है ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो दोस्तों 2023 और 24 की, तो इसलिए हम ग्राम सभा में अभी से उस सब्जेक्ट को लेके चलें, जिससे कि हम जब ऑनलाइन फीडिंग करें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर या फिर लेबर बजट बनाए मनरेगा पोर्टल पर, तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और हमारी पूरी जो है कार्य योजना जीपीटीबी पहले से बनी रहे। तो 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना एवं रणनीति पर चर्चा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना पर चर्चा, जैसे कि मैंने आज भी वीडियो आपको बनाकर बताया नेशनल पंचायत अवार्ड, उसकी योजना पर चर्चा, सभी को नामांकन करना ही है इस बार दोस्तों, वृक्षारोपण एवं वर्षा के जल को रोकने की कार्य योजना बनाना, वृक्षारोपण अधिक से अधिक गांव में हम करें और वर्षा के जल को किस तरह से रोक सकें, जैसे कि आप सभी ने देखा है वर्षा के जल को रोकने के लिए मेड़बंधान, जैसे कई जगह जैसे बांस के पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि जो है वर्षा के जल का संरक्षण होता है, उसी प्रकार वर्षा के जल को रोकने के लिए हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, तालाब का निर्माण कर सकते हैं, जैसे अमृत सरोवर में हमने किया ही है, पुरानी और भी कोई सी संरचना है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, और हमने देखा है तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भी हम वर्षा के जल को रोक सकते हैं, ठीक है, जो किसी भी शासकीय कार्यालय या हमारे घर पर भी हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें वर्षा का जल वापिस हमारी भूमि में चला जाए, जिससे कि हमें शुद्ध पेयजल जब हमें मिले तो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ठीक है। तो वृक्षारोपण में वर्षा के जल को रोकने की कार्ययोजना बनाना, वही कार्ययोजना पूरी जीपीडीपी, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुरक्षित जल के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर सुरक्षित जल के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पर चर्चा, आपको पता ही है संबल 2.0 योजना लॉन्च हो गई है फिर से, तो उसके पूरी योजना पर, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पर चर्चा, पूरी योजना पर चर्चा, किस तरह से ऑनलाइन आवेदन हितग्राही कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर बताता ही देता हूं वैसे, लेकिन उसको ग्राम सभा में चर्चा करना है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं पात्र हितग्राही, फिर सत्यापन किस तरह से करेंगे उनका और उनको किस तरह से कार्ड वितरित होगा, तो उस पर चर्चा, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पर चर्चा। फिर नवगठित स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन तथा सक्रियकरण पर चर्चा। दोस्तों आप सभी को पता ही है हमसे हर साल जानकारी मांगी जाती है जैव विविधता, आपको पता होगा जैव विविधता प्रबंधन एक्चुअल में होता क्या है कि इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं, मनुष्य हुए या फिर जीव जंतु हुए, सारे सबके बीच में समन्वय स्थापित रह सके उसके प्रबंधन पर, जैव विविधता प्रबंधन पर, उसके लिए समितियां बनाई जाती है हर साल, तो चूंकि अब की बार जो इलेक्शन भी हो चुके हैं तो नए सरपंच महोदय पंच महोदय सब आ गए हैं, तो नवगठित स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन, नए लोगों का जो है उसमें जोड़े जाएं और उनके सक्रियकरण कि वो सक्रिय भी रहें, इस पर चर्चा। 2 अक्टूबर 2022 को प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा में पंचायतों की स्वयं की आय के साधन बढ़ाने की आवश्यकता एवं आय के प्रावधानों के संबंध में चर्चा, ये दोस्तों बहुत ही मेन पॉइंट है, जैसा कि गवर्नमेंट द्वारा कहा भी जा रहा है कि अब पंचायतों को अपने स्वयं की आय बढ़ानी पड़ेगी और उससे आगे वो कार्य करा पाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने नगर पंचायत नगर पालिका में देखा ही है, नगर निगम में कि सारे टैक्सेस लिए जाते हैं, स्वच्छता कर, प्रकाश कर, नल जल कर, है ना, संपत्ति का, जिससे कि उसी से वो डेवलपमेंट करते हैं, उनकी कचरा गाड़ी भी चलती है, सब चलती हैं। तो दोस्तों अभी ग्राम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी किस तरह से टैक्स की ऑनलाइन एंट्री करना है पंचायत भवन पोर्टल पर, और दोस्तों तो वही है कि हमें अब ग्राम में भी यदि हमें आगे अच्छे से प्रोग्रेस करना है तो अब ये कंपलसरी हो गया है कि हमें जो है सभी टैक्स लेने पड़ेंगे, संपत्ति कर, यदि भवन निर्माण अनुमति दे रहे हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन के कर टैक्सेस, है ना, और जल कर, नल जल कर,
इसी प्रकार स्वच्छता कर सभी कर जो हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। और किस तरह से आय बढ़ा सकते हैं तो उस पर भी चर्चा। मान लीजिए आप तालाब आपने बनाया है अच्छा, तो उसमें मछली पालन आप करवा सकते हैं तो वहीं के लोगों को रोजगार मिल सकता है। मनरेगा में योजना के तहत लोगों को रोजगार मिल सकता है। कई सारी चीज़ें तो उसी पर चर्चा करना है। प्रत्येक व्यक्ति की राय लेना है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। 2 अक्टूबर 2022 को प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा पंचायतों की स्वयं की आय के साधन बढ़ाने की आवश्यकता एवं आय के प्रावधानों के संबंध में भी चर्चा। किस किस तरह से क्या क्या हम आय बढ़ा सकते हैं उसके प्रावधानों के संबंध में चर्चा। तो जो आप टैक्स बिल है उसकी क्या दर रखना है वो भी ग्राम सभा में ही सभी लोगों के समक्ष डिसाइड कर ली जाए, जिससे कि आगे हमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। पंचायत क्षेत्र के निवासी समस्त शासकीय सेवकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से कर एवं फीस जमा करने हेतु प्रेरित करना। ये जो मैंने पॉइंट बताया वही है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी समस्त शासकीय सेवकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से कर एवं फीस जमा करने हेतु प्रेरित करना। तो जो पंचायत क्षेत्र में जो शासकीय सेवक हैं और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मतलब सरपंच महोदय पंच महोदय, इनको तो अनिवार्य रूप से कंपलसरी रूप से टैक्स और फीस जमा करना ही है। बाकी हर ग्रामवासी को भी टैक्स जमा जरूर करना है, जिससे कि पंचायत की आय बढ़ेगी। आपके यहाँ जैसे आय बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, जैसे आप तो मान लीजिए जो भी टैक्सेस दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 200 दिए या 250 दिए या 500 दिए सारे टोटल मिला के भी, तो इसे हर हर व्यक्ति से मिला के जब पैसा होता है तो आपकी ग्राम पंचायत कई कार्य हो सकते हैं। आपकी पूरी ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लग सकती है, LED लाइट, सोलर लाइट, आप जो कुर्सियां हम चाहते हैं सीमेंट कंक्रीट वो कुर्सियां लग सकती हैं, और भी कई सारे कार्य जो हैं हो सकते हैं टैक्स के पैसे से। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं की आय के प्रावधानों का प्रचार प्रसार, इसी का जो स्वयं की आय के प्रावधानों का प्रचार प्रसार भी करना है। दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ सबकी योजना सबका विकास जन अभियान अंतर्गत ग्राम सभा में 9 थीमेटिक विषयों में से विषय विशेष पर लिए गए संकल्प के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP तैयार की जाना है। ठीक है, तो दोस्तों 9 थीमेटिक विषय कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया। पंचायत अवार्ड में हेवी पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशियंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, वुमन फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, इसी को हिंदी में मैंने आपको दिखा चुका हूँ, तो हिंदी में उन्हीं को क्या कह रहे हैं। अब मैं इसलिए ये बता रहा हूँ दोस्तों बार बार, क्योंकि अब जो पूरी बातें होंगी ये 9 थीमेटिक विषय पर ही होंगी। इनको SDG बोला जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो जिसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, है ना। तो ये 9 थीमेटिक विषय पर ही अब बातें होंगी। पुरस्कार में भी वही बात हो रही है, पंचायत जो अवार्ड है उसमें भी वही बात हो रही है, ग्राम सभा में भी वही बात हो रही है। तो इनमें से कोई सी भी एक थीम हम बहुत अच्छे से ग्राम पंचायत में कर उसमें हम दिखा सकें कि हम इस थीम में हमारे ग्राम पंचायत में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है और कर रहे हैं, तो दोस्तों उसका प्रचार प्रसार करना है। और हमें ग्राम सभा में भी इनमें से 9 में से एक सब्जेक्ट अच्छे से लेना है। 9 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट ले, सबसे पहले एक सब्जेक्ट तो लेना ही है, बाकी आप 2, 3, 4 जितने भी लेना चाहें, 9 के 9 लेना चाहें तो वो भी ले लें, लेकिन पहले एक जरूर लेना है। तो गरीब मुक्त और बड़ी आजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत। ठीक है, तो ये 9 थीमेटिक विषय हो गए दोस्तों, जिसके आधार पर ही हमें अब ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP तैयार करना है। ग्राम सभा में आपसी सहमति से निर्णय लिया जाकर महिला समूहों की ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना VVRP, है ना, VPRP ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना कार्य योजना का निर्माण तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में समावेश किया जाना। ग्राम सभा में सतत विकास के लक्ष्यों एवं GPDP एकीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण, समूह चर्चा, समूह कार्य आदि के माध्यम से मौलिक जानकारी प्रदान कर ग्रामीण समुदाय में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य पूर्ति के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए प्रयास किया जाना। SDG की ये देखिए दोस्तों हर जगह बात हो रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 9 पॉइंट, ये हर जगह इसकी बात हो रही है। अन्य विषय सरपंच की अनुमति से ग्राम सभा की वीडियो कॉपी भले ही वे मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा के आयोजन में कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी मार्गदर्शी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स जरूर ले लें दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमें कई पोर्टल्स हैं, जैसे मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर भी एंट्री करनी पड़ती है ग्राम सभा की।
ये जो पोर्टल है वाइब्रेंट ग्राम सभा का मीटिंग ऑनलाइन .gov.in, इसमें भी लॉगिन करके हमें ग्राम सभा की जब एंट्री करते हैं तो फोटोग्राफ्स ये एंटर करने पड़ते हैं, इसलिए फोटोग्राफ्स जरूर ले लें, ठीक है, जो भी ग्राम सभा उसका फोटोग्राफ्स जरूर ले लें। संचालक महोदय, पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। अब दोस्तों ये मैंने वीडियो तो बताया ही आपको, जैसे मध्य प्रदेश का है, लगभग यही वीडियो हर स्टेट में काम आ जाएगा, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट रहते हैं जो कि एजेंडे के रूप में हमें ग्राम सभा में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो दोस्तों जो है, क्योंकि 9 SDGs पर बात हो रही है, ये प्रत्येक जो है जैसे पंचायत अवार्ड में भी यही बात हो रही है, तो SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो 9 पॉइंट है, इसी पर अब बात हो रही है, तो प्रत्येक राज्य में इन्हीं पर कार्य करना है, तो इसलिए एजेंडा जो है प्रत्येक राज्य के लिए आप यूज कर सकते हैं इन्हीं पर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए या सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।